नमस्कार, मैं हूं आस्तिक द्विवेदी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का समाज और मीडिया टीवी। आज इस वक्त हम राजस्थान की जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं उनसे रूबरू हुए हैं। जमीनी स्तर की उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने लेकर आएंगे जो एक ग्राम प्रधान, एक सरपंच मानसिकता रखता है, उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं पिछले इन 5 वर्षों में जो वो कराना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके आइए आज हम जानते हैं एक नए सरपंच जो अभी दूसरे चरण के चुनाव में विजयी हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सरदयाल मीणा। अब आप हमें अपना एड्रेस बताइए, कौन सी ग्राम पंचायत लगती है, जिला बताइए। ग्राम पंचायत नारपुरा। और जिला? जिला दौसा, राजस्थान। राजस्थान। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो आप सरपंची के लिए लड़े और ऊपर वाले की कृपा से जनता ने आपको, पूरे जनता जनार्दन ने समर्थन किया, आप जीत भी गए, तो अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से अपनी ग्राम पंचायत को देखना चाहते हैं? मैं मेरी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत देखना चाहता हूँ। आदर्श ग्राम पंचायत के तौर पे, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये एक नया जवाब मिला आज हमें। बहुत से ग्राम प्रधानों से हम रूबरू होते हैं तो उनका जो जवाब होता है वो यही होता है, आम जवाब, कि हम अपनी ग्राम पंचायत को एक अच्छी ग्राम पंचायत देखना चाहते हैं, पर आपने एक आदर्श ग्राम पंचायत बोला, ये थोड़ा सा अलग लगा। तो ये बताइए आप कि आदर्श ग्राम पंचायत में बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक आदर्श ग्राम पंचायत बनने से पहले उस ग्राम पंचायत को पहले मॉडल बनाना पड़ता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मॉडल बनाने के लिए पी एस सिस्टम, ये नई बात है। चलिए, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, इसका हम फुल फॉर्म बता दें आपको, PES होता है, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक गांव को मॉडल बनाती हैं, कुछ ऐसा जो पुराने तौर तरीकों से थोड़ा सा दूर हटके नए तरीकों की ओर ले जाती है। और सर क्या बताते हैं आप, किस तरीके से और नई चीज़ों को आप लाना चाहते हैं अपने गांव में, जो आज तक किसी भी ग्राम पंचायत में या आपकी ग्राम पंचायत के जो पूर्व सरपंच रहे उन्होंने नहीं किया, क्या ऐसा आप करना चाहते हैं? जल संरक्षण को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से? जल संरक्षण को लेके और शिक्षा के बारे में, इन तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। ज़्यादा फोकस। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए यहाँ की वोटिंग वगैरह कितनी है? वोटिंग है 2200 वोटिंग है। 2200 जी, यानी अब आपके ऊपर 2200 लोगों की जिम्मेदारी आ गई, तो इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निर्वहन कर रही है या करने वाले हैं, कुछ आपने विचार किया? पब्लिक की सेवा करूँगा और पब्लिक के सारे समस्याओं को हल करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम आपको एक बार शुभकामनाएं देते हैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से, आपके आगामी 5 वर्ष अच्छे से बीते और आप जो उम्मीद लेके आए हैं और जनता ने जो आपसे उम्मीद की है आप उनको पूरा करें। धन्यवाद।